अभी वीडियो पर आए हो ना तो वीडियो को पूरा देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो में आपका अच्छा खासा मनोरंजन होने वाला है। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू ट्रेन सिम गेमिंग। फिर से हम लोग आ चुके हैं बड़े दिनों बाद गेम प्ले मोड में। यार इतने दिन हो गए यार गेम प्ले अपलोड करूँ, यार टाइम ही नहीं मिल रहा है। आज फाइनली गाइस टाइम हमें मिल चुका है और आज की हम लोग जर्नी कर रहे हैं 01086 मडगांव लोकमान्य तिलक टर्मिनस दुरंतो एक्सप्रेस। अबे दुरंतो एक्सप्रेस क्या बोल रहा हूँ यार, दुरंतो एक्सप्रेस नहीं है वो। अरे यार इन कोचेस को देख के ना मैं सब भूल गया, दुरंतो एक्सप्रेस नहीं, डबल डेकर एक्सप्रेस। ये देखिए आपके सामने आ गए आपके डबल डेकर एक्सप्रेस। डबल डेकर एक्सप्रेस के कोचेस आसान शब्द में कहने चाहे तो। और ये जर्नी हम लोग कर रहे हैं रसायनी स्टेशन से लेके थाने स्टेशन तक। सो गाइज गेम प्ले होने वाला है रसायनी से लेकर थाने तक, एज मैंने आपको अभी बताया। और इससे पहले हम लोग इस रूट पर ऑलरेडी एक गेम प्ले कर चुके हैं, एक गेम प्ले नहीं दो गेम प्ले किए हैं। थाने से लेके पनवेल तक पार्ट टू किया था हमने 16345 नेत्रावती एक्सप्रेस का, और पार्ट टू किया था पनवेल से लेके रोहा तक। हालांकि गाइज आज की जर्नी में रोहा से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गेम प्ले होता है, मतलब बड़ा हो जाता है गेम प्ले, और ऊपर से वो पार्ट वन पार्ट टू का तैयारी शुरू हो जाता है। और जैसा मैंने आपको कुछ गेम प्लेज में बताया भी था, ये पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री आजकल ज़्यादा तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, सिंगल जर्नीज ही ज़्यादातर प्रिफर करता हूँ। तो इसका अर्थ ये होता है कि ज़्यादा ट्रेन एक्सप्लोर करने का मौका हमें मिल जाता है। और आप लोग सोचेंगे यार ट्रेन तो डबल डेकर एक्सप्रेस है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, एसी थ्री टीयर एसी टू टीयर एसी चेयर कार के कोचेस यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यार इस ट्रेन की डिमांड इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब इंडियन रेलवेज को और ज़्यादा कोचेस लगाने पड़े चेयर कार के एसी टू टीयर के। हालांकि ये डे वाली ट्रेन है, मतलब ये ट्रेन रात में नहीं चलती, डे ट्रेन है ये, मडगांव से आई गेस दोपहर को निकलती है और आपको शाम तक, या मुझे एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं है, शाम तक आपको मुंबई या लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पहुंचाती है। और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से एकदम सुबह 5:30 बजे आई गेस निकलती है और आपको दोपहर तक मडगांव स्टेशन पहुंचाती है। मतलब सुपर फास्ट ट्रेन है, ऑफ कोर्स डबल डेकर एक्सप्रेस है, और लोकोमोटिव गाइस है आपके ERS WDM 3A के ट्विंस। पीछे जो है ग्रीन वाला ये मेरे ख्याल से WDM 2B है, ठीक है, WDM 2B और ERS WDM 3A। आगे का ERS WDM 3 है और पीछे का जो है वो है आपका GOC का WDM 2B लोकोमोटिव। तो आसान शब्द में कहने जाए तो अल्को लोकोमोटिव हम लोग यूज़ करें, और बड़े दिनों बाद गए ना हम लोग अल्को लोकोमोटिव यूज़ करें। नहीं तो लास्ट टाइम जो किया था वो किया था क्या, ऑयल टैंकर फ्रेट ट्रेन के साथ, उसके बाद में कहाँ WDM या अल्को लोकोमोटिव दिखे थे, बस MSTS में दिखा था बस, उसके बाद में कहाँ दिखे थे भाई। और आज ये गाइस लोकोमोटिव जा चुके हैं ट्रेन सिम गेमिंग पर, और कुछ ही समय में गाइस हम लोग पनवेल स्टेशन अप्रोच करेंगे जहाँ पर हमारे शेड्यूल होल्ड बिल्कुल ऑन टाइम रनिंग ट्रेन है, बिल्कुल हम लोग थोड़ा सा भी इधर उधर डिले नहीं किए, डे टाइम है तो चलेगा यार, ये टाइम भी सही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो टाइम है वो एकदम अप्रोप्रिएट टाइम है, डे लाइट सब कुछ एकदम अच्छे से रहता है, मतलब एक साइड पूरी से डार्क नहीं दिखाई देती, आप देख सकते हो एक साइड से हल्का सा डार्क है, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा ही डार्क है लेकिन एक साइड से आपको ब्राइट दिखेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, जो मैं हमेशा ये ज़्यादातर ये जो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक की जो ट्रेन्स है उनको मैं उधर उधर मैनेज करके डिले करवा देता हूँ, या ऑन टाइम है तो बेस्ट, अगर उससे पहले निकलती है तो फिर डिले करने का हमारे पास रीज़न तो है ही। जैसा मैंने आपको पंचवटी एक्सप्रेस वाले गेम में बताया था 2 घंटा ट्रेन को मैंने डिले किया था, ट्रेन इगतपुरी आती है 8 बजे और हम इगतपुरी पहुँचे थे लगभग 10 बजे के आसपास, जी हाँ 10 बजे हम लोग इगतपुरी आए थे। तो यही मेरा रीज़न रहता है ट्रेन को डिले करने का। और ये AC चेयर कार का इंटीरियर आप देख सकते हो गाइस, 2 AC चेयर कार है और बाकी मेरे ख्याल से 5 AC 2 टीयर और AC 3 टीयर के कोचेस हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पर हम लोग कोई स्टेशन स्किप करें तो ये रूट है वेस्ट कोस्ट रूट बाय गेमिंग ट्रेन्स, ये एक्चुअली पेवे रूट है तो इसका गाइस एक्टिविटी प्रोवाइड करना शायद पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सभी लोगों के पास ये रूट अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों के पास अवेलेबल होगा तो ऐसे खास करके उनके लिए मैं कैसे एक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता हूँ। फ्रीवेयर पब्लिकली रूट अगर होता तो एक्टिविटी प्रोवाइडेशन बिल्कुल पॉसिबल होता था, लेकिन माफ़ कीजिए इस ये एक्टिविटी प्रोवाइड करना शायद पॉसिबल नहीं हो सकता है। ओके तो अभी हम लोग ट्रेन के बाहर जाते हैं, बहुत देख लिया इंटीरियर और नज़ारा यार काफ़ी बेस्ट है,
ये रूट की खासियत है ना, नज़ारों से भरी है भाई। नज़ारे इस रूट की सबसे बड़ी खासियत है। और मुझे लगता है यहाँ पर हम लोग कर ले रहे ट्रैक साउंड गाइस ना यार, मक्खन जैसे ट्रैक साउंड, एकदम बटरी ट्रैक साउंड है भाई। मत पूछो भाई, ट्रैक साउंड के सब कुछ मेरे इन्फॉर्मेशन दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वो आप चेक कर सकते हो। और ये TLW के ट्रक्स दिखेगा इस, क्या बात है यार, क्या ऑब्जेक्ट्स है, मस्त में मज़ा आ गया यार। ये ऑब्जेक्ट्स है ना द लर्निंग बेस के, दिल खुश कर देते हैं। और पीछे से जो ट्रेन जा रही है हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस ब्रिज के ऊपर से, और एक कर्व भी ले रही है ट्रेन हॉकिंग करते हुए ट्विन अंको लोकोमोटिव, इससे अच्छा नज़ारा यार आपको कहीं पर नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर द रियल लाइफ और इन ट्रेन सिम्युलेटर में। ट्रेन सिम्युलेटर में इतना अच्छा नज़ारा मिल रहा है और क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये देखिए बस बस स्टैंड है, सिटी बस स्टैंड, काफ़ी बढ़िया ऑब्जेक्ट बाय द लर्निंग वेज। लर्निंग वेज के बसेस भी है, बस स्टैंड भी है, यार कितने कॉरपोरेशन ओन करते हो भाई द लर्निंग वेज। चलिए मॉडल्स तो इनके है ही खतरनाक, और क्या ही बोल सकते हैं। और ये देखिए एक पीछे से हमारे कोचेस दिख रहे हैं डबल डेकर एक्सप्रेस के, ट्रेन कर्व ले रही है और बैंकिंग कंसिस्ट भी ऐड किया है, तो ट्रेन मेरे ख्याल से थोड़ा सा हल्का सा एकदम ट्रेन टिल्ट हुई थी, वो एक काफ़ी अच्छा फीचर है। और डिटेलिंग देखिए गाइस, भाई साहब क्या डिटेलिंग की है भाई, रूट की भी और मॉडल्स की भी। अब देखे ना वो डबल डेकर वगैरह कैसा लिखा था कोच के ऊपर, ये सबसे खास बात लगती है भाई द लर्निंग वेज को। इसीलिए मैं हमेशा ज़्यादा प्रीफर करता हूँ जब बात आती है इंडियन एडॉन्स की ऐसे ट्रेन सिम्युलेटर वाले गेम में, द लर्निंग वेज एंड ओनली द लर्निंग वेज। ये नाम भाई अगर छोड़ो यार, जो बोलूँ ना द लर्निंग वेज के बारे में बहुत ही कम है भाई। लर्निंग वेज है तो भाई मैं हूँ और बाकी क्रिएटर्स हैं, सच में यार थैंक यू द लर्निंग वेज, थैंक यू फॉर योर वर्क। ओके सो गाइज, यहाँ पर हमें ग्रीन सिग्नल तो मिला है लेकिन हमारा यहाँ पर हॉल्ट है। पनवेल स्टेशन हम लोग गाइज अप्रोच करें, स्टेशन कोड मेरे ख्याल से PNVL है, आई एम नॉट श्योर गाइज पनवेल स्टेशन का कोड PNVL है या और कुछ है। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, भाई आप गलत हो, पनवेल स्टेशन का कोड सो एंड सो है, कमेंट्स में बता सकते हैं गाइज आप, अगर मैं गलत हो रहा हूँ तो, सही भी हो रहा हूँ तो वो भी आप बता सकते हैं। और ये नज़ारा भी काफ़ी अच्छा, ब्रिज का टेक्सचर एकदम रियलिस्टिक, मैंने नेत्रावती एक्सप्रेस गेम प्ले में भी आपको बताया था कि ब्रिज का टेक्सचर काफ़ी हद तक रियलिस्टिक लग रहा है। और एकदम धीरे धीरे स्पीड में हम लोग एंटर कर रहे हैं, रोड पर कार भी चल रही मैंने देखा था, जी हाँ। और चलिए स्टेशन का नज़ारा देखते हैं, और वहाँ पर एक ICF ब्लू रेक भी खड़ी है। ICF ब्लू रेक तो यार आजकल पूरा नामोनिशान मिट चुका है, कितनी बार बोलूँगा ये चीज़, सारे के सारे उत्कृष्ट कोचेस ही आजकल तो इंडियन रेलवेज में दिखते हैं, लेकिन एज अ मेमोरी मैं अब ज़्यादातर ये कोचेस यूज़ कर रहा हूँ गेम प्ले में, ताकि यार ट्रेन सिम्युलेटर में यार पूरा नामोनिशान तो ना मिट जाए ICF ब्लू कोचेस का, भले ही उत्कृष्ट हो या ना हो लेकिन ICF ब्लू तो होने चाहिए। ओके तो वो कैसा है गाइस, एक क्लासिक लाइब्रेरी इंडियन रेलवे के, ठीक है, तो ये मैं बताने का प्रयास करना चाहता हूँ। और पनवेल स्टेशन हम लोग एंटर कर चुके हैं गाइस सक्सेसफुली एकदम ऑन टाइम, मेरे ख्याल से 1526 या 1527 का हमारा यहाँ पर अराइवल टाइम था, सो ऑलमोस्ट हम लोग टाइम पर आ ही चुके हैं, डिले हम लोग नहीं किए। और ट्विन एल्कोस है, डिले क्यों करेंगे, अच्छा खासा एक्सेलरेशन हो रहा है, PRS WDM3A प्लस GOC WDM2B, और क्या चाहिए भाई। और रेगुलर लोकोमोटिव लिंक ही एक्चुअली हम लोग ये कह सकते हैं, WDP3A रहता है। और जब इस ट्रेन का इनॉग्रल रन हुआ था लोकमान्य तिलक टर्मिनल से, मेरे ख्याल से ये अल्को ट्विंस ही ज़्यादा यूज़ किए थे, ठीक है, तब मेरे ख्याल से WDP3A नहीं था, या WDP3A था लेकिन उस लोकोमोटिव यानी कि उस ट्रेन का रेगुलर लिंक नहीं था। तो कभी कभी तेजस WDP3A रहता है, या कभी कभी ट्विन अल्कोस रहता है, या EMD भी रहता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अल्कोस ही, EMD भी रहता है, WDP4D जितना मुझे जानकारी है। और सक्सेसफुली गाइस हम लोग पनवेल स्टेशन अप्रोच कर चुके हैं, यहाँ पर हमारा एक से लेकर दो मिनट का होल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट ही रुकेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें क्योंकि आने वाला जो हमारा हॉल्ट है इसके बाद में वो है थाने। और ये आप देख सकते हो पनवेल का ये EMU लोकल का स्टेशन जो ट्रांस हार्बर और हार्बर लाइन पनवेल से मुंबई CSMT और पनवेल से लेके थाने तक हार्बर ट्रांस हार्बर लाइन जो आपको पता होगा। तो और AC लोकल भी आजकल सेंट्रल रेलवे पर ऑपरेट हो रही है, सेंट्रल लाइन हो या वेस्टर्न लाइन हो, इवन हार्बर लाइन पर भी आजकल AC लोकल ऑपरेट की जाती है। और द लर्निंग वेज के मेरे ख्याल से AC लोकल अभी तक नहीं बने, बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, बम्बार्डियर EMU लोकल ट्रेन भी बनेंगे, बस हमें पेशेंस की ज़रूरत है, आने वाले समय में वो लोग काफ़ी कुछ डेवलप करने वाले हैं और मुझे भरोसा है द लर्निंग वेज पर। इनके मॉडल्स को देखें ना गाइस यार, इनकी तारीफ किए बिना ना मैं बैठ ही नहीं सकता, सच बताऊँ तो, इसीलिए तो मैं हमेशा इतनी तारीफ करता हूँ द लर्निंग वेज की।
ओके और ये चेयर कार के कोचेस भी काफी बेहतरीन। ये देखिए क्या यार, ये कैमरा एंगल ना कभी कभी ना उल्टा ही घुमा देता है, कभी कुछ समझ में ही नहीं आता क्या कर रहा हूँ। एसी चेयर कार डिटेलिंग भी काफ़ी अच्छी तरह से। नॉर्दर्न रेलवे की ब्रांडिंग है NR पूरे, यानी कि उत्तर रेलवे। ओके तो हम लोग गाइस यहाँ से डिपार्ट कर सकते हैं और मुझे बाजार दे देना चाहिए। ओके सो हॉर्न गाइस हमने सक्सेसफुली बजे दिए, सेकेंडरी हॉर्न और प्राइमरी हॉर्न भी। तो अभी हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं पनवेल स्टेशन और आने वाले समय में हम लोग अप्रोच करेंगे थाने स्टेशन टाइम पर पहुँचे कि बिल्कुल डिले नहीं करेंगे, टाइम पर पहुँचना हमारी खासियत है। और ये डिपार्चर गाइस आप एंजॉय कीजिए। 01086 पटगांव लुकमान्य तिलक टर्मिनस, फिर से मैं अभी ना दुरंतो एक्सप्रेस बोलने जाने वाला था लेकिन बीच में मुझे क्लिक हुआ कि ये दुरंतो एक्सप्रेस नहीं है मेरे भाई, ये डबल डेकर एक्सप्रेस है। यार ये एक्चुअली मुझे करना क्या चाहिए था, ये जो एसी चेयर का के कोचेस है, ये एसी टू टीयर के कोचेस है, एसी थ्री टीयर के कोचेस है, इसको पीछे लगाना चाहिए था और जो डबल डेकर के कोचेस है उनको आगे लगा देना चाहिए था। चलिए टाइम बहुत कम है गैस, घाई घाई में एक्टिविटी बनाई है तो इसीलिए ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। और ट्रैफिक भी एकदम मॉडरेट लेवल वाली है, ज़्यादा हाई ट्रैफिक नहीं है, आगे चलकर एक दो या ट्रेन क्रॉसिंग के लिए मिल सकती है। और जैसे ही देवास स्टेशन हम लोग अप्रोच करेंगे वहाँ पर आई गेस क्रॉसिंग मैंने सेट की है, वो टाइम पर हो तो अच्छा है। तो जो टाइम मैंने सेट किया है वहाँ पर मुझे पहुँचना ही पहुँचना है। एकदम मैं अगर आपको बताने जाऊँ तो 3:40 या 42 मिनट पर हमें दत्तेवली स्टेशन क्रॉस करके ही जाना है तो ही हमें वहाँ पर एक ट्रेन क्रॉसिंग के लिए मिलेंगी। वहाँ पर मैंने एक पैरेलल EMU लोकल ट्रेन के साथ सेट किया है और हमारे साथ क्रॉसिंग करेगी मुंबई नागपुर सेवाग्राम एक्सप्रेस जो लोकोमोटिव लीड कर रहे हैं अजनी वैब 7। तो ये अब वहाँ पर क्रॉसिंग होती है या नहीं होती है ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा, इसलिए गाइस गेम प्ले को एंड तक देखो यार। और ये लाइन आगे जा रही है, वैसे ही पूरा थाने तक तो लाइन नहीं बनाया गया, ठीक है, ऐसे ही वहाँ आगे चलकर एंड किया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेन लाइन तो है ना, बस उससे ही हमें फ़र्क पड़ता है जहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन जाती है। वैसे भी हम लोग EMU लोकल ट्रेन तो नहीं चलाते, हम ज़्यादा तो LHB ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन ही चलाते हैं, है ना। लोको पायलट है यार, मोटरमैन नहीं है, लोको पायलट है हम। और रही बात गाइस या गेम प्ले यार बहुत दिनों बाद आ रहा है, वो रीज़न एक्चुअली थोड़ा बिजी था बीच में, एक हफ्ता ऑलमोस्ट आप कह सकते हो, एक डेढ़ हफ्ता तो थोड़ा बिजी था गाइस, पर्सनल रीज़न था जिसके कारण वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं हुआ, तो ये डिले के लिए माफ़ी चाहता हूँ गाइस। और मेरे ख्याल से यूट्यूब में डिले करना इससे बुरा काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। एज अ यूट्यूब क्रिएटर मैं बोल रहा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, ऑलमोस्ट 11 मंथ्स या एक साल आप कह सकते हो, ऑलमोस्ट एक साल का भी मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे क्या करना पड़ता है, कैसे वीडियोस डालने पड़ते हैं, क्या पब्लिक चाहती है, पब्लिक के डिमांड्स क्या होते हैं, उन सबको देख के पूरा कंटेंट डालना पड़ता है। तो एज अ यूट्यूब क्रिएटर मैं बोल रहा हूँ, डिले करना मतलब बेवकूफ़ी है एज अ क्रिएटर। तो सारे यूट्यूब क्रिएटर से मैं यही कहूँगा, जितना पॉसिबल होता है आप टाइम पर वीडियोज़ डाला कीजिए, ठीक है। मेरे पीछे भी बहुत सारे बकवास करने वाले लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है मेरे ही पीछे होते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स के मतलब पीछे बोलने वाले होते ही हैं कुछ लोग जिन्हें हम हेटर्स कहते हैं, वो तो चलता रहेगा भाई। और वैसे भी यहाँ पर हेटर्स की बात क्यों करूँगा। ओके तो मेन लाइन ज्वाइन करने का काफ़ी ज़्यादा समय हो गया पनवेल स्टेशन से और मेरे ख्याल से अभी हम लोग यहाँ से एक्सेलरेट कर रहे हैं धीरे धीरे। और ये अपर डेक और लोअर डेक के इंटीरियर्स आप देख सकते हो डबल डेकर एक्सप्रेस के, जो आप रियल लाइफ में अगर आप ट्रैवल किए हो कभी डबल डेकर एक्सप्रेस में तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। और कौन से डेक पर आप बैठे थे, अपर डेक या लोअर डेक, मतलब नज़ारा तो यार काफ़ी अच्छा लगता है इन कोचेस से अगर आप देखने जाए तो, दोनों साइड से बोल रहा हूँ, मतलब जो आप ऊपर बैठे या नीचे बैठे नज़ारा तो भाई काफ़ी अच्छा रहता है। और मेरे ख्याल से हम लोग कोई स्टेशन स्किप करें, मैं स्टेशन बोर्ड का नाम तो नहीं पढ़ पाया, आई गेस अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और जो मैं बता रहा था कोचेस के बारे में, अपर डेक और लोअर डेक नाम का कंसेप्ट होता है इन कोचेस में, जो मुझे लगते हैं काफ़ी अच्छी बातें हैं जब ये कोचेस इन्वेंट किए गए थे इंडियन रेलवेज में। और ये स्टेशन का नाम है करमबोली स्टेशन। ओके सो हम लोग करमबोली स्टेशन स्किप कर रहे हैं। एक्चुअली गाइज मुझे याद था ये करमबोली स्टेशन है लेकिन एट द एंड मैं सब भूल गया आपसे बात करने में, यार सब कुछ भूल ही जाता हूँ।
और पीछे मेरे ख्याल से कंबोली स्टेशन का गुड्स यार्ड है, एक तरफ स्टेशन रहता है और एक तरफ गुड्स यार्ड होता है। मैं प्रयास करूँगा आपको गुड्स यार्ड दिखाने का। और ये आप देख सकते हो ना, ये लूप लाइन वहाँ पर जा रही है एक एक करके, देखिए वहाँ पर कितने सारे लाइन्स गई है। तो वहाँ पर है आपका कर्मबोली का गुड्स यार्ड। वहाँ पर कोई गुड्स ट्रेन तो खैर कोई पार्क नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक गुड्स यार्ड है। और ये देखिए ब्रिज के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं, ब्रिज का टेक्सचर काफ़ी बढ़िया। हमेशा जब इसी रूट से हम लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है, नेत्रावती एक्सप्रेस का गेम प्ले मैंने आपको इस रूट पर दिखाया था, तब भी मैंने इस ब्रिज की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की थी। और नीचे का पानी खैर ग्रीन हो गया, और ये ग्रीन एक्चुअली पहले नहीं था, ये ग्रीन करवाया है, उसका भी एक ट्रिक है, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। और ये देखिए एक बार कर्मबोली स्टेशन स्किप करने के बाद हम लोग फिर से स्टेशन स्किप करें, और ये स्टेशन का नाम है नावड़े रोड स्टेशन, ठीक कर्मबोली के बाद है। बिल्कुल ज़्यादा टाइम तो लगा ही नहीं, लगभग 10-20 सेकंड के अंदर अंदर हम लोग नावड़े स्टेशन स्किप करें। वो स्किप अब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्पीड देखिए कितना है, 98 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर हम लोग चल रहे हैं तो स्टेशन एकदम पास पास ही लगेंगे, मतलब थोड़े समय बाद हम लोग स्टेशन स्किप करेंगे। और अभी धीरे धीरे हम लोग कैसा है, जो पूरा रूरल एरिया था वो अब ख़त्म हो चुका है, अभी हम लोग धीरे धीरे सबर्बन एरिया में बढ़ रहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होने वाले हैं। हालांकि अभी तक तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आपको नहीं दिख रही है, लेकिन आगे चलकर जब हम सेंट्रल वाली लाइन ज्वाइन करेंगे, वैसे भी ये सेंट्रल लाइन ही है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, एक बार हम लोग दत्ती वाली स्टेशन क्रॉस करके जब दीवार जंक्शन पहुँच जाएंगे तब काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक शुरू हो जाएगी, क्योंकि कैसा है वो एक सबर्बन वाला एरिया शुरू हो जाता है। और ये देखिए एक क्रॉसिंग चल रही है LHB ट्रेन के साथ, GTL, मेरे ख्याल से GTL का WDM2 था, गुंतकल शेड का या और कौन सा WDM2 था, मैंने देखा नहीं गए एक्चुअल शेड कौन सा था। हालांकि एक्टिविटी तो मैंने सेट की लेकिन एट द एंड मैं शेड तो भूल ही गया। और ये बेजललेस के कोचेस, अरे भाई साहब क्या लैग हुआ था अभी यार, पूरा क्रैश ही हो चुका था गेम। और यार ये ट्रेन इस तरफ क्यों जा रही है, अरे यार मैं कन्फ्यूज़ हो गया, शिट, हाँ ये रही अपनी ट्रेन। इतना भयानक वाला लैग हुआ था ना गाइस, भाई मत पूछो, पूरा क्रैश ही हो गया था। और यहाँ पर हम लोग तरोजी स्टेशन स्किप करें गाइस, क्या बात है, तरोजी स्टेशन एकदम खाली खाली स्टेशन है, कोई लोग लोग नहीं है। वैसे भी ये गेम है ट्रेन सिमुलेटर, MSTS में भी अगर आप बात करेंगे तो लोग भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, दोनों गेम में हम लोग पीपल ऐड कर सकते हैं, लेकिन खैर वो लैग वैग हो जाता है जिसके कारण ज़्यादा मतलब चीज़ें ऐड करना तो खैर अच्छा नहीं लगता, वो लैग वैग का चीज़ें फेस करना पड़ता है जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया। और यहाँ पर भी दो लाइन बाहर जा चुकी है, बाहर जा चुकी है मतलब एक जस्ट एक एक्सटेंशन वाली लाइन है, यहाँ पर बगल में बहुत सारे छोटे मोटे हाउस ब्लॉक्स वगैरह। और ये रियल लाइफ में भी खास वैसा ही है, हालांकि इस रूट से मैं खैर ट्रैवल नहीं कर चुका हूँ, ठीक है, मैं सेंट्रल वाली लाइन से ही आगे जाता हूँ, दीवार से आगे, यानी कि पनवेल वाली लाइन पर मैं एक्चुअली गया नहीं हूँ कभी, ठीक है, तो इतना ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन जितना मुझे जानकारी है गूगल पर जो मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ इस रूट के वगैरह, तो जानकारी काफ़ी सारी मिलती रहती है कैसे क्या सीनरी वगैरह रहते हैं, उसी प्रकार से गेम में भी दिखाने का प्रयास किया गया है गेमिंग ट्रेन की तरफ से, जो एक काफ़ी बढ़िया रूट क्रिएटर है ट्रेन सिमुलेटर में। और वैसे गाइस अगर आप बात करेंगे इंडियन रेलवेज़ में, सिर्फ यही नहीं तो बहुत सारी ऐसे डबल डेकर ट्रेन है जो इंडियन रेलवेज ऑपरेट कर रही है, एक नॉन AC डबल डेकर एक्सप्रेस भी है, वो फ्लाइंग रानी करके है वेस्टर्न रेलवेज़ पर, अगर आपको पता होगा फ्लाइंग रानी काफ़ी बढ़िया ट्रेन है। अभी गाइस पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग को फ्लाइंग रानी ट्रेन के बारे में पता होगा नहीं होगा, ठीक है ये कोई बात नहीं है वैसे। और ये सीनरी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, बगल बगल में खेत वेत है जो मुझे लगता है रियल लाइफ में भी थोड़ी बहुत है यहाँ पर इस सेक्शन पर। और ये देखिए बड़े लोग के साथ हमारी यहाँ पर चल रही है क्रॉसिंग, ये है ट्रेन सिमुलेटर के बड़े लोग क्वीन EMDs एक फ्रेट ट्रेन के साथ हमारे यहाँ पर क्रॉसिंग चल रही है। और ये बड़े लोग गाइस हमसे नाराज़ है, हमसे नाराज़ है मतलब मुझसे नाराज़ है, नाराज़ इसलिए है क्योंकि हम इनका गेम प्ले ट्रेन सिम गेमिंग पर नहीं दिखा रहे, इसलिए ये हमसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्या ही करें, अब इनका गेम प्ले तो जल्द से जल्द लाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमसे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, पूरी तरह से नाराज़ है भाई EMD हमसे नाराज़ है गाइस। लेकिन गाइस अगर मैं आपको बताऊँ ना, EMD को ना अल्को लोकोमोटिव से ना कुछ तो सीखना चाहिए, एक बात ये सीखना चाहिए कि यार अल्को लोकोमोटिव इतने दिन से ट्रेन सिम गेमिंग पर नहीं थे, मतलब गेम प्ले नहीं आ रहा था, तो अल्को लोकोमोटिव आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्विन अल्कोस के साथ, ERS WDM3 और GOC WDM2 भी आज एकदम मस्त में हमारे साथ जर्नी करें। लेकिन लेकिन जब बात आती है EMDs की, यार EMD का और मेरा तो खैर आपको पता है ना कैसा होता है, EMD के बिना यार गेम प्ले नहीं करना है ये क्या होगा भाई, इसलिए आपको पता है ना
जब अमृतसर मुंबई CSMT एक्सप्रेस का एक्टिविटी मैंने आपको दिया था, उसमें मैंने WDG4D के बारे में एक बात भी बताई थी। मतलब गेम प्ले में अगर EMD लोकोमोटिव ना दिखे ना, तो वो गेम प्ले पूरी तरह से अधूरा रहता ही है। कोई भी बात हो EMD की, चाहे एक्सप्रेस ट्रेन हॉल करो, फ्री ट्रेन हॉल करो या आइडल पोजिशन पे करो, कुछ भी करो, मतलब EMD तो रहना ही रहना है गेम प्ले में। EMD नहीं है तो यार पूरी शोभा जाती है गेम प्ले की। लेकिन जब आप अल्को लोकोमोटिव की बात करते हैं ना भाई, इस बात में अल्को लोकोमोटिव जीत जाते हैं। मतलब बिल्कुल किसी भी प्रकार की शिकायत वो लोग नहीं करेंगे, ये सबसे खास बात है अल्को लोकोमोटिव की। और इस बात के लिए अल्को लोकोमोटिव के लिए एक लाइक बन जाता है, दोस्त ठोक दो जल्दी से लाइक। आज तो भाई फिर अल्को लोकोमोटिव ने हमारा दिल ही जीत लिया। हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाए गाइस। अरे चलिए फिर से गेम प्ले पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए। तो गाइस स्पीड हमारी हो रही है 95 किलोमीटर पर आवर। और ये देखिए मूविंग व्हीकल्स, एक ब्रिज के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया ट्रक जा रहे हैं नीचे से, और वहाँ पर भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, काफ़ी बढ़िया सीन। और थोड़े समय में गाइस हम लोग दत्ती वैली स्टेशन भी क्रॉस करके दीवा जंक्शन अप्रोच करेंगे, फिर हमारा हॉल्ट आएगा थाने स्टेशन, और मेरे ख्याल से यहाँ पर हम लोग फिर से कोई स्टेशन स्किप करें। लेट्स सी स्टेशन का नाम क्या है। ओके तो ये है नीलजे स्टेशन, नीलजे स्टेशन हम लोग स्किप करें। MPS तो हम लोग कह नहीं सकते, मतलब ऑलमोस्ट 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग स्किप कर ही रहे हैं स्टेशन, तो एक काफ़ी अच्छी बात है। और ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा है, जैसे हम लोग कोई प्लेटफॉर्म के फुटओवर ब्रिज पर हम लोग खड़े हैं और नीचे से ट्रेन जा रही है और हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, काफ़ी बढ़िया फ्रंट व्यू टॉप व्यू, कुछ भी आप बोल सकते हो गाइस, जो आपकी मर्जी। और अभी फ्रंट व्यू टॉप व्यू की बात आ ही रही है, तो एक बार इस अल्को लोकोमोटिव का फ्रंट व्यू पर एक नज़र डालते हैं। ये देखिए ये है अल्को लोकोमोटिव का फ्रंट व्यू, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये लोकोमोटिव आज हम लोग चला रहे हैं SHF मोड में, ना कि LHF मोड में। LHF मोड का गाइस वो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि लोकोमोटिव केबिन से सामने का ट्रैक, सामने का सिग्नल्स, बाद में जो अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेन आती है उसको रिकॉग्नाइज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसलिए आजकल ना ये जो LHF मोड वाले EMD लोकोमोटिव्स हो या अल्को लोकोमोटिव्स हो, ये सब आजकल धीरे धीरे स्क्रैप में जा रहे हैं करके अभी ख़त्म हो रहे। लेकिन अगर आप बात करेंगे, एक ज़माना ऐसा था जहाँ पर ये अल्को लोकोमोटिव्स काफ़ी हद तक ज़्यादा फेमस थे, जब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स कम थे या नहीं थे आप बोलने जाओगे तो, तब अल्को लोकोमोटिव्स ही थे। बाद में वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स आए, फिर वो EMD इलेक्ट्रोमोटिव डीजल लोकोमोटिव के वेरियंट लोकोमोटिव्स आए। तो ये जैसे जैसे टाइम बदलता गया, वैसे वैसे इंटरनेट रेलवेज अपने रोलिंग स्टॉक यानी कि जो लोकोमोटिव्स है या कोचेस है, धीरे धीरे LHB आया, फिर अभी आप देख सकते हो वंदे भारत एक्सप्रेस है। मतलब जो डेवलपमेंट हुई है कुछ सालों में, अगर आप देखने जाए 10-15 साल, ये जो है इंडियन रेलवेज के पिछले काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आ रही है। और मुझे लगता है फिर से हम लोग यहाँ पर स्टेशन स्किप करें, और मेरे ख्याल से दत्ती वैली स्टेशन आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी हाँ, दत्ती वैली स्टेशन अभी हम लोग क्रॉस करें, और अभी हम लोग सबर्बन डिवीजन में एंट्री मारने जाने वाले हैं, तो ट्रैफिक अभी आगे चलकर शुरू होने वाली है। तो आई होप गाइस आपने वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं किया होगा, और एक बार ये स्टेशन क्रॉस कर दिया ना, फिर आगे चलकर पैरेलल एक्शन शुरू हो जाएगा, क्रॉसिंग शुरू हो जाएगी, तो आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इतनी भी ज़्यादा पैरेलल एक्शन या क्रॉसिंग मैंने सेट नहीं किया है, जितना पॉसिबल हो उतना मैंने सेट किया है। और ये लेवल क्रॉसिंग के गेट्स देखिए, ये तो ट्रेन सिमुलेटर में लेवल क्रॉसिंग के गेट्स कभी तो बंद होने ही नहीं वाले। वैसे ये एनिमेटेड कुछ गेट्स है, तो ये उनमें से नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अगर वो एनिमेटेड वाला यहाँ पर यूज़ करते तो काफ़ी अच्छी बात हो सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और एकदम धीरे धीरे अभी हम लोग चल रहे, लगभग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो रही है। ओके सो गाइस अभी हम लोग सबर्बन डिवीजन में एंट्री मार रहे हैं धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, क्योंकि ट्रैक चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए धीरे धीरे। और बात कर ही रहा था पैरेलल एक्शन की, तो आप देख सकते हो गाइस वहाँ पर EMU लोकल ट्रेन के साथ अभी हमारा पैरेलल एक्शन शुरू हो चुका है। चलिए थोड़ा सा पीछे जाकर मैं आपको पैरेलल एक्शन दिखाने का प्रयास करता हूँ, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं। और वो देखिए जो मैं बता रहा था, पैरेलल एक्शन EMU लोकल ट्रेन के साथ चल रहा है यहाँ पर, जो ट्रेन मेरे ख्याल से कल्याण खोपोली करजत कसारा से आ रही है, वो ट्रेन अभी जा रही है CSMT, क्या पता ठाणे पर भी उसका हॉल्ट हो सकता है। लेकिन यूजुअली कसारा से, करजत से, खोपोली से जो ट्रेन आती है कल्याण से या डोंबिवली से, वो यूजुअली जाती है CSMT स्टेशन पर, या ज़्यादा से ज़्यादा कभी कुर्ला के लिए भी लोकल रहती है, या कभी दादर के लिए लोकल रहती है। लेकिन यूजुअली जैसे मैं आपको बताया, CSMT उसका लास्ट स्टॉप रहता ही रहता है। और धीरे धीरे हम लोग दीवा जंक्शन गाइस स्किप करें, ये जंक्शन इसीलिए एक लाइन जाती है सामने,
सामने यानी कल्याण की ओर एक लाइन जाती है दिवा, दिवा क्या बोल रहा हूँ यार, कोंकण के लिए जाती है, जो कैम्बोली पनवेल के लिए मैंने बोला ना, हाँ वो वाली लाइन, वहाँ से फिर आगे कोंकण रेलवे डिवीजन शुरू हो जाता है पनवेल के बाद नहीं यानी रोहा के बाद। और वो देखिए मैं बोला था गेम प्ले में के बीच में कि क्रॉसिंग होने वाली है अजनी वैब सेवन के साथ में, सेवाग्राम एक्सप्रेस मुंबई सीएसएमटी नागपुर सेवाग्राम एक्सप्रेस उत्कृष्ट रेक, एकदम यूनिफॉर्म्ड यहाँ पर क्रॉसिंग चल रही है, एकदम ऑन टाइम बैंग ऑन टाइम है, तो क्रॉसिंग तो ऑफकोर्स होगी यार, ऑफकोर्स क्रॉसिंग होगी, क्रॉसिंग को एंजॉय कीजिए गाइस, काफ़ी बढ़िया क्रॉसिंग। और ये ICF ट्रेन है, फिर भी आपको LHB ट्रैक साउंड सुनाई दे रहे होंगे। अभी ये ट्रेन सिम्युलेटर में गाइस हम लोग ऐसा कुछ कर नहीं सकते, मतलब कस्टम ट्रैक साउंड ऐड नहीं कर सकते, MSTS में पॉसिबल है, जैसे LHB ट्रेन हो तो LHB ट्रैक साउंड, फ्रेट ट्रेन हो तो उसमें फ्रेट ट्रैक साउंड। तो कैसा है, जब हम लोग गेम खेलते हैं तो उसके अंदर कोई भी ट्रेन अगर क्रॉसिंग होती है, मान लीजिए यही ट्रेन मैं चला रहा हूँ MSTS के अंदर में और एक EMU लोकल ट्रेन आ रही है, तो अगर मैंने उसमें EMU वाला साउंड ऐड किया होगा तो मुझे EMU साउंड भी सुनाई देगा और हमारे ट्रेन का जो LHB साउंड है वो भी सुनाई देगा, मतलब ऐसा नहीं कि EMU साउंड में भी LHB सुनाई देगा, तो वो सबसे खास बात है MSTS की। तो शायद मैंने आपको ये बात बताई थी कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो हम लोग ट्रेन चला रहे थे कामरूप एक्सप्रेस 15960 डिब्रूगढ़ हावड़ा कामरूप एक्सप्रेस की गेम प्ले अगर आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से पार्ट वन के एंड में मैंने बताया था कि कस्टम ट्रैक साउंड्स यानी कि जो इंडिविजुअल ट्रैक साउंड है आसान शब्दों में कहे जाए तो जो इन ट्रेन्स में हम लोग लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है जो MSTS का एक महत्वपूर्ण फीचर है। और अभी हम लोग धीरे धीरे एक्सेलरेट करेंगे, स्पीड मैंने काफ़ी स्लो कर दिया, वो इसीलिए स्लो कर दिया क्योंकि पीछे से एक EMU लोकल ट्रेन आ रही है, तो इसीलिए पैरल एक्शन थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाना चाहता था। और ये एक स्लो EMU लोकल ट्रेन है, ये हमारे साथ पारसिक टनल में एंट्री नहीं मारेगी, अभी यहाँ से डाइवर्ट होगी और जाएगी मुंब्रा स्टेशन, मुंब्रा और करवा, फिर उसके बाद वो हमारे साथ ठाणे आ जाएगी, लेकिन तब तक हम लोग ऑलरेडी ठाणे अप्रोच किए होंगे, वो लोकल ट्रेन तो खैर वहाँ पर रुकेगी एक मिनट दो मिनट यूजुअली, तो EMU लोकल ट्रेन्स का गाइस हॉल्ट तो नहीं रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 सेकेंड, उससे ऊपर नहीं यार। ये मुंबई रेलवे डिवीजन जो है ना गाइस, सेंट्रल रेलवे वेस्टर्न रेलवे, यहाँ पर EMU थोड़ी सी भी डिले होती है तो लोग ना जाने क्या क्या बोल देते हैं, तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का मुंबई रेलवे डिवीजन के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो ऐसे हर एक रेलवे जोन में फॉलो करनी चाहिए। ये बात मैं सिर्फ यही डिवीजन की बात नहीं करो, सारे डिवीजन के यानी कि सारे रेलवे जोन्स ऐसे ही है, टाइम को फॉलो करते हैं वैसे, लेकिन कभी कभार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ट्रैक मेंटेनेंस का इशू चल रहा रहता है या सिग्नल का कोई प्रॉब्लम रहता है, तो कैसे ट्रेन डिले हो जाती है, फिर हम कुछ कर तो नहीं सकते ना। ओके, तो यहाँ पर एक ब्रिज के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं, ब्रिज का टेक्सचर काफ़ी अच्छा, दोनों ट्रेन पैरेलल ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं, ये भी मज़ा आ रहा है। और वहाँ पर ट्रेन मेरे ख्याल से मुंब्रा स्टेशन एंटर करे धीरे धीरे, तो वो एंटर करेगी और हम लोग अभी जाने वाले हैं पारसिक टनल के अंदर जो बिल्कुल आता है ठाणे स्टेशन के पहले, तो आप एंजॉय कीजिए गाइस, अभी हम लोग धीरे धीरे टनल के अंदर हम लोग जाने वाले हैं। सो गाइस गेम प्ले भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है और मुझे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर करनी है रिलेटेड टू हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जो हमारा अकाउंट है ना इंस्टाग्राम का trainsimgaming.official, उसके बारे में आपको एक बात बतानी थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए प्लीज़। देखिए बात कुछ ऐसी है कि कुछ दिनों से ना गाइस बहुत सारे लोग ना मुझे DM करते हैं, कॉल भी करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, पता नहीं क्यों ये सब हो रहा है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, और बार बार पूछते हैं कि भाई ये रूट दो, वो अपडेट दो, ये साउंड दो, वो साउंड दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ऐसी सारी चीज़ें मुझे आजकल आती है इंस्टाग्राम के DM सेक्शन पर। मुझे ये समझ में नहीं आता गाइस कि ये जो हमारा अकाउंट है trainsimgaming.official, ये मैं इसीलिए बनाया था ताकि लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, जिनको गेम में एडवांस डालना नहीं आता या गेम को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो पता नहीं होता, उसकी जो भी गेम की क्वायरीज हो या रिलेटेड आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे ट्रेन को कैसे ऐड करते हैं वगैरह, छोटे मोटे ट्यूटोरियल्स वीडियोस हो, तो उसके रिलेटेड उनको समझ में नहीं आता, तो मैं वर्डिंग्स में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसलिए मैंने वो अकाउंट बनाया था trainsimgaming.official, जो हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है हमारे चैनल का। लेकिन कुछ लोग यार वो चीज़ ग्रांटेड के लिए ले रहे हैं, रूट लिंक मांगते रहते हैं, ऑब्जेक्ट लिंक मांगते हैं, साउंड्स मांगते रहते हैं, ये लिंक वो लिंक दो, हमें लिंक दे दो, ये लिंक विंक ना मैं वहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए मैं वो अकाउंट नहीं बनाया था, वो अकाउंट मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया था जिनको गेम खेलने में प्रॉब्लम होती है, जिनको एड ऑन को इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उस कारण के लिए मैं वहाँ पर अकाउंट बनाया था। तो प्लीज़ ये एक सबसे लास्ट वार्निंग है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता वो अकाउंट बंद करूँ, मैंने एक स्टोरी भी डाली थी कि अब मैं इंस्टाग्राम अकाउंट को फाइनली हमेशा के लिए बंद करने वाला हूँ, क्योंकि लोग आते रहते हैं, ऐसे चीज़ें मांगते रहते हैं, जिसके कारण यार जो लोग
मतलब एक अच्छे हेतु के साथ आते हैं हमारे अकाउंट पर, उनका क्या होगा फिर? वो लोग किसे पूछेंगे गेम के रिलेटेड डाउट्स? तो इसी बात को गाइस सोच के मैं लास्ट बोल रहा हूँ कि प्लीज़ 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 कोई भी लिंक वहाँ पर मत मांगिया करो। मैं कोई भी लिंक वहाँ पर किसी को भी देने नहीं वाला हूँ। कुछ लोग तो दोस्तों वॉइस मैसेजेस भेजते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये चीज़ ना गाइस बिल्कुल 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 भी नहीं एक्सेप्टेबल है। प्लीज़ 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 इस बात को समझिए। अगर गाइस ये चीज़ फिर से वहाँ पर रिपीट होती है तो दुर्भाग्यवश मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा फिर। हाँ, अगर आप ऐसे भी बोलते हो ना गाइस कि भाई हमें कुछ ऐसे रूट्स बताओ जो यूट्यूब पर सबसे अच्छे हैं, अच्छे वाले रूट्स की हमें लिंक दो, यूट्यूब बोल रहा हूँ, अगर आप यूट्यूब खास करके यूट्यूब शब्द अगर आप वहाँ पर यूज़ करते हो तो मैं आपको यूट्यूब के जो अच्छे रूट्स हैं, जो भी वीडियोज़ हैं, मैं वो वीडियोज़ आपको दे सकता हूँ। हाँ, तो आप उसी हिसाब से जो भी वीडियोस हैं, जो भी रूट्स हैं, जो आपका मनपसंद रूट है, जो आपको अच्छा लगेगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, वो मैं 100% आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिंक मांगोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिंक का मांगोगे, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है ना, है ना? सही बात है कि नहीं बताइए मुझे। यूट्यूब का वीडियो, यूट्यूब का रूट है, बहुत सारे रूट्स ऐसे हैं जो आपको पता नहीं है, वो आप मुझे पूछ सकते हो, वो मैं वीडियोस आपको बता दूंगा। तो वो आप रूट, वो जो भी क्रिएटर है उनका ट्विटर वीडियो फॉलो करके आप यूट्यूब का जो रूट है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट लिंक नहीं पॉसिबल भाई, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर गाइस अभी इतना बोलने के बावजूद भी अगर कोई हमें वॉइस नोट्स, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, डायरेक्ट लिंक मांगने की कोशिश करता है, तो आई एम सॉरी गाइस, फिर जो मैंने आपको पहले बताया वो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इन बातों को रखते हैं बाजू में। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, जो भी मैं बताने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ गाइस हमारी एक और सक्सेसफुल जर्नी कंप्लीट हो जाती है। रसायनी स्टेशन से लेके थाने तक 01086 मडगांव लोकमान्य तिलक टर्मिनस एसी डबल डेकर एक्सप्रेस की जर्नी यहाँ पर हो जाती है। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कम्युनिटी टैब सेक्शन भी चेक कर सकते हैं। हमारा कम्युनिटी टैब ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है यूट्यूब की तरफ से, वहाँ पर भी तरह तरह के अपडेट्स देता रहता हूँ, तो वो आप चेक कर सकते हो। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड गुड बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।